राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने खेला आखिरी दांव। नाराज नेताओं को खुश करने के लिए अशोक गहलोत ने बनाया प्लान डी। क्या सचिन पायलट तोड़ पाएंगे अशोक गहलोत का ये मंसूबा। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग और भी तेज होती जा रही है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव लड़ने के अटकलों के बीच सचिन पायलट भी सुर्खियों में बने हुए हैं। राजस्थान का शुरू से ही हर 5 साल में सरकार बदलने का इतिहास रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस राजस्थान में फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार को राजस्थान की सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहती है, तो वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों तरफ से विरोध झेल रहे अशोक गहलोत इस बार राजस्थान की जनता का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और ऐसे में चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत किसी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि सीएम गहलोत ने डी प्लान के जरिए इन नेताओं को खुश करने की तैयारी कर ली है। दरअसल सीएम गहलोत पहले की तरह एक बार फिर से नए जिलों की बंपर घोषणा कर सकते हैं। इनमें नए डिवीजन भी बनाए जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे नाराज जन प्रतिनिधियों को साधने की कोशिश करेंगे। आपको याद ही होगा कि हाल ही में अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान 19 नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के बाद सूरतगढ़, सुजानगढ़, संभार, फुलेरा समेत कई क्षेत्रों में जिला नहीं बनाए जाने को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है, जिसे लेकर वहां जोरदार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों में भी उनके क्षेत्र को जिला नहीं बनाने पर नाराजगी जाहिर की है। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने राम लुभाया कमेटी से ऐसे नए जिलों और संभाग बनाने के लिए एक बार फिर रिपोर्ट मांगी है। हालांकि नए जिलों को लेकर राम लुभाया कमेटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे चुकी है, और इसी के आधार पर सीएम अशोक गहलोत 8 से नए 10 जिले की घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि नई घोषणा के अनुसार राजस्थान में 10 संभाग हो चुके हैं। नए जिले बनाने की मांग की तर्ज पर अब भीलवाड़ा, नागौर, वाडमोर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ में भी संभाग मुख्यालय बनाने की मांग तेज हो गई है। इन सभी स्थानों पर कांग्रेस सरकार में कई विधायक और मंत्री हैं, जो अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए यह संभाग बनाने को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस घोषणा में 3 और नए संभाग बनाए जा सकते हैं। इससे पहले बजट सत्र में हुई घोषणा के बाद राजस्थान में संभाग की संख्या 10 हो चुकी थी, यानी 3 और संभाग बनते ही राजस्थान में संभाग की संख्या 13 तक पहुंच जाएगी। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि कांग्रेस राजनीतिक तौर पर विधानसभा और लोकसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार सीएम अशोक गहलोत सांभर, फुलेरा, भालपुरा, सुजानगढ़, भीनमाल, रावतभाटा, खाजूवाला, सुमेरपुर, निम्बाहेड़ा, जोतारण, खेतड़ी, कोटा उत्तर व दक्षिण, भिवाड़ी व सूरतगढ़ उपखंडों में से 8 से 10 नए जिले के नाम की घोषणा कर सकते हैं। जबकि इससे पहले बजट सत्र में सीएम गहलोत 19 नए जिलों की घोषणा पूर्व में कर चुके हैं, जिसके बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत के इस फैसले का समर्थन करेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।